Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called 12th Fail, जिसे मैंने हाल ही में OTT platform Disney Plus Hotstar पर enjoy किया। हालांकि मूवी तो 2 महीने पहले आ चुकी थी और अब जाकर मुझे regret हो रहा है कि क्यों मैंने इस मूवी को थिएटर में वॉच नहीं किया। इस मूवी की पिछले 2 महीनों से बहुत सारी डिमांड आ रही थी एंड एज यूजल जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में वक्त दिखाया जाता है 1997 और लोकेशन है चंबल, जहां हम एक परिवार को देख पाते हैं। ये शर्मा परिवार होता है, मनोज शर्मा कहानी के लीड एक्टर, जो कि छत पर बैठकर 12वीं क्लास को पास करने के लिए अपने फर्रे तैयार कर रहे होते हैं। वहीं नीचे उनके पिताजी, जिनका नाम है रामवीर शर्मा, वो अपनी बेटी को एक ही बात सिखा रहे थे, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। कि तभी एक पोस्टमैन इनके घर पर आता है और रामवीर शर्मा के नाम पर सस्पेंशन लेटर इन्हें दे डालता है। तभी उनकी मम्मी यानी कि अम्मा जी पोस्टमैन को कहती है कि अब घर पर आए हो तो इस लेटर को देने का रीजन भी बता दो। जहां पर पोस्टमैन बताता है कि आपके बेटे को जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट मैनेजर के मुंह पर चप्पल मारी, वो भी एक नहीं दो दो। जिस पर रामवीर बताता है कि मैनेजर गांव में बटने वाले अनाज को इल्लीगल तौर पर यहां के अध्यक्ष और व्यवस्थापकों को बांट रहा था, ये बात मुझे पसंद नहीं आई और मैं घूसखोरी करना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश करी और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। अम्मा जी इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो अपने छोटे बेटे को कहती है कि जाकर 2 नाली लेके आ, यानी कि बैरल गन को मेरे पास लेकर आ, आज तो इसकी खोपड़ी उड़ाऊंगी। कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और अब पुलिस के आने की वजह से इन्हें पोस्टमैन को छोड़ना पड़ता है और ऊपर से सस्पेंशन लेटर इनके दीवार पर चिपकवा दिया जाता है। रात को पूरा परिवार परेशान था कि आखिर जॉब नहीं रही है तो अब घर कैसे चलेगा, हमारा पालन पोषण कैसे होगा। जिस पर मनोज कहता है कि जैसे ही मेरी 12वीं पास हो जाएगी तो मेरी जॉब लग जाएगी, मैं भी दादाजी की तरह एक सूबेदार बन जाऊंगा। वहीं शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में, जहां 12वीं क्लास के एग्जाम्स थे और इस बार टीचर्स खुद कह रहे थे कि फर्रों का इस्तेमाल मत करना, अगर फ्लाइंग आई तो तुम्हें चीटिंग करता देखकर फेल कर देगी। इसलिए इस बार नया जुगाड़ लगाया गया है, पूरी व्यवस्था सेट हो चुकी है, इस बार जवाब मैं खुद तुम्हें बताऊंगा और तुम डायरेक्ट अपनी आंसर शीट में भर देना। और ऐसा करते करते हर कोई 12वीं क्लास का लड़का चीटिंग करने पर उतर आता है कि तभी वहां फ्लाइंग पहुंच जाती है, जिनमें होते हैं DSP दुष्यंत सिंह। सबसे पहले तो टीचर को धरा जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल को धरा जाता है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि गांव के अध्यक्ष जिन्होंने पूरी व्यवस्था बिठाई है उन्हीं के कहने पर ये सारी चीटिंग वगैरह हो रही है। देखिए, गांव के बच्चे आपकी तरह कभी बड़े अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा आदमी तो बन नहीं सकते। छोटी मोटी हमाली का काम मिल जाएगा अगर ये लोग 12वीं पास हो जाएंगे तो, क्यों बेचारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। और रही बात इस चीटिंग को रुकवा कर बच्चों के भविष्य को खराब करने की, तो यहाँ डाकुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं तो कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये पकड़िए अपना मिठाई का डब्बा और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेकिन दुष्यंत सिंह, जो कि घूसखोरी के खिलाफ था, वो उन पैसों की फोटो खींच कर प्रिंसिपल को थाने ले जाता है और उस साल हुए एग्जाम्स में सारे के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब बात आती है मनोज और उसके घर की, जहाँ इनके पास में खाने के लिए या फिर जॉब करने के लिए कोई साधन वगैरह नहीं होता, तो ये एक किराए की बस को लेकर, खैर बस तो नहीं था, एक जुगाड़ वाला टेम्पो इसे कह सकते हैं, इसे लेकर एक गांव से दूसरे गांव तक सवारियों को बैठाकर लाने ले जाने लगते हैं। कि तभी अध्यक्ष के लोग आकर कहते हैं कि गांव की एक बस भी है और सभी लोग उसी में ही ट्रेवल करेंगे, अगर तूने ज्यादा आनाकानी करी तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। और चंबल में ये बात आम थी क्योंकि सभी लोग पुराने डाकू थे, इनके पास में काफी घोड़े वोड़े गन वगैरह सब कुछ थी। मगर मनोज और टुटुल इस बात को मानते नहीं है और अपनी जो बस यानी कि टेम्पो वगैरह है उसका काम चालू रखते हैं। कि तभी आगे जाकर रस्ते में वहां की पुलिस इन्हें रोक लेती है और बिना बात के ही थाने में ठूस देती है, जिस पर टुटुल को गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले को धमकी देता है, अगर तूने हमें छोड़ा नहीं तो तेरी हालत पतली कर देंगे। जिस पर तो पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो उसमें धे धनादन डंडे बजा देता है, जिस पर मनोज कहता है कि मेरे पास में 2 नली है यानी कि बैरल गन है, अगर मेरे हाथ लग गई तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि आज रात को तो 2 में से 1 ही बचेगा, या तो तेरा भाई बचेगा या तो मैं बचूंगा, जा भाग के जा और बंदूक लेकर। मनोज फुल स्पीड से दौड़ता है लेकिन घर की तरफ नहीं, वो जाता है दुष्यंत सिंह के घर पर, जो कि एक निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। पहले तो दुष्यंत सिंह जी कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, अगले दिन आना, जिस पर मनोज कहता है कि जिस दिन स्कूल में चीटिंग चल रही थी उस टाइम तो वक्त पर आए और चीटिंग को रुकवा कर मेरा साल बर्बाद कर दिया, अगर कुछ पढ़ लिख जाता, पास हो जाता तो घर वालों के लिए पैसे कमा पाता, लेकिन आज पैसा ना कमा पाने की वजह से इस गांव के बड़े लोगों और नेताओं की बातें सुननी पड़ रही है, और आज जब हमारी
ही जान पर आई तो आप इस बात को कल पर टाल रहे हैं। अब ये बात जैसी दुष्यंत सिंह के कानों में पड़ती है तो वो नीचे आते हैं, मनोज से पूरा का पूरा किस्सा सुनते हैं और फिर उसे बिठाकर अपनी जिप्सी में पहुंच जाते हैं दूसरे वाले पुलिस थाने जहां पर टुटुल कैद था। बड़े वाले डीएसपी साहब को देखकर छोटे वाले पुलिस वाले की तो पैंट गीली हो जाती है और उसे इन दोनों को ही छोड़ना पड़ता है। रास्ते में आगे दोनों जा ही रहे थे कि तभी दुष्यंत सिंह कहते हैं कि मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, आओ बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मनोज मन ही मन उन्हें देखकर ये सोचने लगता है कि मैं भी सिर्फ इन्हीं की तरह बनूंगा। किस तरीके से उन्होंने वक्त पर आकर मेरी और मेरे भाई की जान बचाई, अगर आज वो नहीं होते तो हमारे परिवार में एक दुर्घटना घट चुकी होती। इनफैक्ट जब वो जिप्सी से उतर भी रहा था तब वो दुष्यंत सर से पूछता है कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, जिस पर उनका कहना था कि बेटा चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, अगर ये कर दिया तो बस बन जाएगा मेरी तरह। जिसके बाद तो मनोज अपनी पूरी दिल मन लगन श्रद्धा के साथ में अपने अगले साल के एग्जाम के लिए तैयारी करने लगता है। हालांकि इस साल भी गांव में व्यवस्था बैठा दी गई थी, हर कोई फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए चीटिंग का सहारा ले रहा था, मगर इस बार मनोज ने कोई फर्रे, कोई टीचर के बताए गए आंसर्स या फिर किसी दूसरी तरीके से इस एग्जाम में पास होने की कोशिश नहीं करी, बल्कि खुद के दम पर की गई पढ़ाई के सहारे उन एग्जाम्स को दिया। हालांकि उसमें उसकी थर्ड डिवीजन लगी, मगर ये थर्ड डिवीजन बेईमानी से पाए गए फर्स्ट डिवीजन से कहीं आगे थी। और अब तो घर की दादी, जिन्होंने इतने सालों से अपनी पेंशन का पैसा बचाकर रखा था कि वो अपने पोते को वर्दी में देखना चाहती है, इसीलिए पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर भेजती है और उसके लिए उसे बहुत सारा पैसा भी देती है, और जाते वक्त अपने पोते से यही कहती है कि जब आएगो तो वर्दी में आएगो। उन पैसों से भरे बैग को लेकर मनोज अपने परिवार के साथ में बस स्टैंड पहुंचता है और वहां से ग्वालियर की बस पकड़ता है। लेकिन जिंदगी में पहली बार इतने दूर का ट्रेवल करने की वजह से उसे नींद आ जाती है, वो थक कर सो जाता है और जब उठता है तो उसका बैग उसे मिलता ही नहीं है, यानी कि वो चोरी हो चुका था। हैरान परेशान हुआ मनोज आसपास में लोगों को पूछता है, कंडक्टर को पूछता है कि आखिर वो बैग कहाँ गया, जहां पर कंडक्टर बताता है कि तुम्हारे पास जो लेडी बैठी थी वो तो इस बैग को लेकर करीब आधा घंटा पहले ही उतर चुकी है। ये शब्द सुनकर तो मनोज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसके दादी ने इतने सालों से जो पैसे बचाकर उसकी पढ़ाई के लिए उसे दिए थे, अब आज वो उसके पास नहीं थे, ना ही पहनने के लिए कपड़े, ना ही खाने के लिए खाना और ना ही अब जीवन जीने का कोई जज्बा। मनोज पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। खैर, इससे रिलेटेड भी एक इंसिडेंस है। वेल, इस मूवी से रिलेटेड करीब 5 से 6 ऐसे इंसिडेंस है जो टोटली मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा, शुरुआत में बताऊंगा तो वह आपके लिए बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ इस मूवी को एंजॉय करने आए हैं, ना कि मेरे और मेरी फैमिली के पास्ट इंसिडेंट्स को सुनने। तो खैर, मूवी की तरफ वापस आते हैं। ग्वालियर में एक कोचिंग सेंटर था जिसका नाम था प्रतीक्षा कोचिंग सेंटर। मेरी सिस्टर का नाम भी प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा नागर के चैनल पर जाकर और भी अच्छी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 दिन बताने के बाद में अगले दिन जैसे सेंटर ओपन होता है तो यहाँ के लोग बताते हैं कि अब 3 सालों के लिए डीएसपी के फॉर्म वगैरह भरना सब कुछ बंद हो चुका है, आगे जॉब्स ही नहीं है तो फिर पढ़ाई करवाने का मतलब क्या, इसलिए अब 3 साल के बाद में आना। इतना सुनने के बाद तो मनोज को एकदम मरने की इच्छा हो चुकी थी कि अब तो डीएसपी बनने का सपना उसका चूर चूर हो चुका था, लेकिन घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और ऊपर से 2 दिन की कड़ी भूख, तो वो एक भोजनालय के पास पहुंचा और कहने लगा कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं है चुकाने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे खाने को कुछ दे दें तो बदले में जो काम आप मुझे बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। इस बात को सुनकर भोजनालय वाला कहता है कि कोई बात नहीं, खाना मेरी तरफ से खा ले। 2 दिन भूखे रहने के बाद में मनोज ने जिस स्पीड से उस दाल चावल को खाया, पास बैठा प्रीतम पांडे उसे देख रहा था। ये भी इस कहानी के वन ऑफ द लीड एक्टर हैं और इन्होंने जितनी मदद मनोज की करी है शायद ही कोई दोस्त एक दोस्त की करता होगा। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त प्रीतम भी यहाँ पर आया था ग्वालियर में डीएसपी बनने के लिए, लेकिन जब उसे ये खबर मालूम चली कि सेंटर्स बंद हो रहे हैं, 3 सालों तक कोई भी जुगाड़ लगेगा नहीं, तो अब उसने आईपीएस बनने का डिसाइड किया। मनोज कहता है कि ये आईपीएस क्या होता है। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। खैर, मेरे पापा भी मुझे आईपीएस ही बनाना चाहते थे। इससे रिलेटेड भी एक किस्सा है, लेकिन सब एंड में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट टाइम मनोज ने आईपीएस का नाम सुना था, जहां पर वो कहता है कि भाई ये होता क्या है, जहां प्रीतम उसे बताता है कि डीएसपी का बाप होता है आईपीएस। जब डीएसपी 20 साल तक घसाता है ना, तब जाकर आईपीएस की कुर्सी उसे मिलती है, लेकिन अगर पढ़ लिख कर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लो तो ये सब बाएं हाथ का खेल है। मनोज को प्रीतम में ही अपना भगवान नजर आ रहा था और वो प्रीतम से कहता है कि आप कैसे भी करके मुझे आईपीएस बनने के लिए मेरी मदद कीजिए, बदले में आप जो बोलेंगे, जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे रह लूंगा, कर लूंगा, मगर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं गांव वापस नहीं जा सकता। खैर, प्रीतम के पिताजी जो कि पीडब्ल्यूडी में थे, उनके पास में हराम का पैसा आ रहा था और वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा अगर डीएसपी बन जाए तो हराम की कमाई डबल और अगर आईपीएस बन जाए तो हराम की कमाई 3 गुनी।
तो इसीलिए प्रीतम पांडे को कोई दिक्कत ही नहीं थी पैसों की, कभी शैंपेन पी जा रही है, कभी बियर, तो कभी घर में ब्रेड ऑमलेट और अच्छा हाईफाई नाश्ता, जो कि मनोज के लिए तो एक सपने से कम नहीं था। और अब बारी थी कि आईपीएस बना कैसे जाए, जहां पर पांडे के कुछ दोस्त आकर ये बताते हैं कि पास ही में गौरी नंदन नाम के एक टीचर हैं, हालांकि वो भी अपने आईपीएस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें 5 साल हो चुके हैं अटेम्प्ट देते हुए और इस बार ये उनका आखिरी अटेम्प्ट है, हमारी आईपीएस बनने में सिर्फ वही मदद कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही पहुंच जाते हैं गौरी जी की क्लास में, वहां उनके जैसे और भी काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं। लिटरली कहूं तो पूरे भारत में ऐसे काफी सारे बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी, जो कि आते हैं हिंदी मीडियम से, घर वालों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, अच्छी कोचिंग्स में डलवाने का और फिर हाई सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने का। हम जैसे लोगों के पास में बहुत कम मौके होते हैं एक मुकाम को पाने के, जिनमें गौरी नंदन भी एक होते हैं, और यहाँ वो आईपीएस की पूरी स्टडी को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल एक गेम के थ्रू समझा देते हैं कि सांप सीढ़ी का खेल, जिसमें 0 का मतलब होता है रीस्टार्ट और 100 का मतलब होता है आईपीएस यानी कि आपका मुकाम। हर साल करीब 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, मेल फीमेल बोथ। उनका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, अगर आपने वो पार कर लिया फिर उसके बाद में मेंस के लिए चुने जाते हैं 1500 से 2000 बच्चे, और अगर आपका मेंस क्लियर हो गया तो फिर 250 से 200 जने चूज किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और उस इंटरव्यू को सिर्फ 1% यानी कि मात्र 20 से 25 लोग ही क्लियर कर पाते हैं। अब कहां 2.5 लाख से ऊपर के लोग और उनमें चुने जाने वाले सिर्फ 20 से 25 लोग, देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। लेकिन फिर भी मनोज, जो कि एक गरीब परिवार से आया था, उसके लिए मुश्किलें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, और वो अपना दिल मन लगन सब कुछ लगाकर आईपीएस बनने की तैयारी शुरू कर देता है। इसी बीच वो पांडे के घर पर रहकर एक बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए पास ही के पुस्तकालय में जाकर, इंग्लिश में कहें तो लाइब्रेरी, वहां महीने की 280 रुपए की जॉब करने लगता है। और इस तरीके से जॉब के साथ साथ उसकी स्टडीज भी चल रही होती है, उसके बाद में उसका फर्स्ट एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स होता है, लेकिन इतने तगड़े कंपटीशन और लाखों की तादाद में आने वाले बच्चों में नंबर पाना एक बहुत बड़ी बात थी, और इस बार ये 6th और लास्ट अटेम्प्ट था गौरी नंदन का, मगर वो भी इसे क्लियर नहीं कर पाते और थक हार कर अपनी एक टी स्टॉल खोल देते हैं, जिसका नाम होता है फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंटर रीस्टार्ट टी स्टॉल। यानी कि यूपीएससी को क्लियर कैसे करना है, गाइडेंस तो फ्री मिलेगी मगर चाय के पैसे जरूर देने होंगे। और ऐसा करते करते एक साल और निकल जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट दीप मोहन करके एक लड़का अब आईपीएस बन चुका होता है। प्रीतम पांडे तो उसे देखकर एकदम फैन हो चुका था और अपने गुरु यानी कि गौरी नंदन को चेंज करके अब दीप मोहन के पास ही जाकर बैठने लगा था। एक दिन यूं ही चाय सर्व करते करते पहुंच जाता है मनोज उनके पास में और कहता है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जहां पर दीप मोहन कहता है कि तुम जैसे लड़के इस देश में बहुत कम होते हैं, जो कि अपने काम के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते हैं, भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। गौरी नंदन ने अपने मोटिवेशन के लिए अपने छोटे से घर में एक पुलिस की वर्दी रख दी थी, ताकि हर दिन सुबह उठकर उसे देखने पर गौरी के मन में एक नया मोटिवेशन क्रिएट हो। मगर सिर्फ यही काफी नहीं था आईपीएस बनने के लिए, हिंदी और इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज भी जरूरी थी। जब ये बात मनोज को पता चली तो वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर अच्छी कोचिंग लेना चाहता था, लेकिन तभी पूरे पैसे ना होने की वजह से वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि आप मुझे कोई भी काम दे दीजिएगा, मैं इस काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी वो दीप मोहन की फोटो उनके इंस्टीट्यूट में देखता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर नहीं पढ़े, मैं तो जानता हूँ इन्होंने ये सब कुछ खुद से किया। इसी बीच यहाँ पर एक फादर अपनी बेटी श्रद्धा को लेकर आए होते हैं आईएएस या फिर आईपीएस बनाने के लिए, और जब मनोज ये बताता है कि दीप मोहन जो कि हाल ही में बने आईपीएस हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं हुए, इस बात से श्रद्धा और उसके पिताजी को इस इंस्टीट्यूट पर शक होने लगता है और वो कहते हैं कि आपने तो झूठ कहा है, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। इस पर मनोज भी कहता है कि मैं भी यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आपने जो मुझसे मेरे 680 रुपए लिए हैं वापस दे दीजिए और अब कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। श्रद्धा को मनोज की ईमानदारी देखकर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है और वो काफी दिनों तक मनोज को ढूंढने लगती है और एक दिन यूं ही ढूंढते ढूंढते उसी के लाइब्रेरी पहुंच जाती है। यहाँ इस वक्त मनोज के हाथ में हाउ टू बी अ एरोनॉटिक इंजीनियर की किताब थी, तो श्रद्धा को लगता है कि वो एक इंजीनियर है, यानी कि जाहिर सी बात है अच्छे घर से आता होगा, और ऐसे ही करते करते इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। इसके बाद कहानी का वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट हमें दिखाया जाता है, जहां पर हम
देख पाते हैं वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर कॉल्ड मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति जी। इनके काफी सारे शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ही इज अ टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और भी बहुत कुछ, जितना कहे इनके बारे में कम है। वही अब इनके टीचर होते हैं जो कि कम पैसों में IAS IPS की तैयारी इन बच्चों को करवाने लगते हैं। अब इसी तरीके से पांडे को भी एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है, मनोज की यहाँ पर श्रद्धा गर्लफ्रेंड हो जाती है, तो इनके बीच में काफी अच्छा एक लव एंगल दिखाया जाता है। मूवी काफी अच्छी, हैपनिंग और ब्यूटीफुल दिखाई पड़ती है। कहानी के डायरेक्टर की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी सिंगर को बुलवाकर बड़े पैमाने पर हाई बजट पर इस मूवी को शूट आउट नहीं किया, बल्कि ऐसी ही एक्टर को चूज किया जो कि खुद भी अच्छा गा सकती थी। इस शॉट में हम असली वाले मनोज सर और श्रद्धा मैम को भी देख पाते हैं जो कि पीछे वाली टेबल पर बैठे होते हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही होती है, दिल्ली के अंदर मजे आ रहे होते हैं। एक दिन यूं ही विकास सर जब रॉकेट के बारे में क्लास में स्टडी करवा रहे थे तो श्रद्धा हाथ खड़ा करवा देती है मनोज का और बताती है कि सर मनोज तो एक इंजीनियर है। जहां पर विकास सर कहते हैं कि मुझे जितना पता है कि मनोज तो एक BA ग्रेजुएट है और करंट सिचुएशन की बात है तो शायद किसी लाइब्रेरी में जॉब करता है, इंजीनियर वो नहीं है, तो मैं हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। इस बात को सुनकर श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि जिस पर्सन को वो इंजीनियर समझ रही थी वो तो सिर्फ एक आम परिवार से आने वाला एक आम लड़का था। इससे उसका दिल टूट चुका था और कहीं ना कहीं अब तो उसे मनोज पर गुस्सा आने लगा था। जहां पर मनोज उसे ये बताता है कि श्रद्धा मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं। जिस दिन मैं लाइब्रेरी की बुक्स की सफाई कर रहा था उसी वक्त तुम वहां आ पहुंची और मुझे सच बताने का टाइम ही नहीं मिल पाया। खैर अब श्रद्धा का दिल टूट चुका था और वो अपने घर मसूरी जा चुकी थी, इसी वजह से मनोज अकेला हो चुका था और अब तो लाइब्रेरी में भी उसके साथ एक पंगा हो जाता है। जहां पर ओनर बताता है कि 200 किलो रद्दी बेचकर जो पैसा मिलना चाहिए तुमने उसमें से 1200 रुपए का घपला किया है। जहां पर मनोज कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, अगर तुम्हें तुम्हारी जॉब चाहिए तो तुम रख लो, बाकी ईमानदार आदमी हूं, हमेशा ईमानदारी के साथ ही काम किया था। और अब तो वो एक आटा चक्की में काम करने लगा था, दिन भर गेहूं को पीसकर आटा बनाता और रात को पढ़ाई करता, और ऐसे करते करते मेहनत के बाद वो अपने प्रीलिम्स क्लियर कर देता है। और जब बारी आती है मेंस की, जहां पर टॉपिक दिए जाते हैं इंग्लिश में बड़े बड़े, तो ऐसा ही एक टॉपिक था टेररिज्म। मनोज को अपने आप पर पूरा विश्वास था और जो हिंदी में आतंकवाद पर उसने पढ़ा था वही इंग्लिश में टेररिज्म के ऊपर पूरी तरीके से छाप दिया और बड़े सारे पन्नों में अपना अच्छा एग्जाम देकर खुश हो रहा था। लेकिन तभी नवल, जो कि इंग्लिश मीडियम से आता था, वो बताता है कि भाई उसका नाम टेररिज्म नहीं टूरिज्म था। टूरिज्म यानी कि घूमना फिरना, अच्छी जगहों पे जाने वाली जगह, गलत चीज भरकर आया तू। और इस तरीके से मेंस में मनोज अगेन फेल हो जाता है, उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। तो अपने आप को जोड़ने के लिए वो पहुंच जाता है सीधा मसूरी श्रद्धा के घर पर। इस वक्त श्रद्धा घर पर नहीं थी, वो एक शादी में गई हुई थी, वहां उनका नौकर मौजूद था। मनोज कहता है कि क्या मेरी श्रद्धा से बातचीत हो सकती है, तो वो उसे कॉल लगा कर दे देता है। मनोज उसे कहता है कि आई लव यू श्रद्धा, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मगर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा, तुम एक बार बस मुझसे कहकर तो देखो आई लव यू। लेकिन श्रद्धा अपने नौकर को फोन दिलवाकर ये कहती है कि इसे कह दो वापस दिल्ली निकल जाए। ये सीन सचमुच इतना सेंटी था कि एक पल को तो मेरी भी आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि जब नौकर उन्हें कहता है कि मैडम कह रही है सर आप दिल्ली वापस चले जाइए, तो जो पानी का ग्लास मनोज के हाथों में था वो बिना पानी पिए उस ग्लास को वहीं रख देता है और उम्मीद भरी निगाहों से वहां से निकल जाता है। दिल से एक बात कहना चाहता हूं, IPS बनने की इच्छा मेरी भी थी, कुछ पर्सनल रीजंस मेरे साथ में भी थे, मैं बन नहीं पाया, मगर इस बात को लेकर खुश भी हूं कि अच्छी कहानियों को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट तो कर पा रहा हूं। खैर अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल 1,00,000 के बहुत करीब है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, पूरी तरीके से टूटा हुआ मनोज अपने गांव चंबल वापस आ जाता है, जहां पर अपने परिवार में अपने भाई छोटी बहन को बड़ा होता देखकर बहुत खुश होता है और आकर अपनी माँ से भी मिलता है। तब उसे ये बात पता चलती है कि दादी तो चल बसी। दादी की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पोते को वर्दी में देखे, मगर मनोज अपने परिवार को ये कैसे बताता कि वर्दी में आना, एक अच्छी जॉब पाना जिसके लिए वो अकेला नहीं बल्कि भारत के हर साल 2,50,000 से ज्यादा बच्चे लड़ भिड़ रहे हैं, तो वो कैसे उस वर्दी में आ पाता। लेकिन अपने माँ के दिए मोटिवेशन की वजह से मनोज फिर से अपने काम में लग जाता है और कर देता है रीस्टार्ट, यानी कि अगेन प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू और फिर बिकम एन IPS। एक बार उसके पिताजी भी उसी आटा चक्की में उससे मिलने के लिए आते हैं। मनोज की इस हालत को देखकर पिताजी कहते हैं कि बहुत हुआ ईमानदारी का काम, मैं तो अब घूसखोरी करूंगा, परिवार में ज्यादा पैसा आएगा, हमारा लेवल ऑफ स्टेटस बढ़ जाएगा। जावर मनोज कहता है कि पिताजी बात ये नहीं है, इस देश को अगर हम नुकसान दे रहे हैं तो वो नुकसान झेलने वाला इंसान कौन है, हम जैसे गरीब आदमी ही। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम जैसे और लोग
आगे बढ़ पाएंगे। उन्हें खाने को पूरा अनाज मिलेगा, रहने को पूरी जगह मिलेगी और पाने को पूरी शिक्षा। उसके पिता उसका जज्बा देखकर बहुत खुश होते हैं और मनोज को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ लिख कर एक IPS बनने की हिदायत देते हैं। इसी बीच विकास सर की चलती हुई क्लासरूम में पहुंच जाती है श्रद्धा और मनोज को ढूंढने लगती है। जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो पांडे बताता है कि मनोज तो क्लास में ही है और आजकल किसी से मिलता विलता भी नहीं है। श्रद्धा आकर उससे सॉरी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया। हालांकि तुम निकले उसके ठीक एक मिनट बाद मैंने कॉल भी किया था और तुमसे सॉरी मांगना चाहती थी, मगर तब तक तुम जा चुके थे। और अब तो श्रद्धा ने भी IPS या IAS बनने का सपना छोड़कर डिप्यूटी कमिश्नर बनने के बारे में सोच लिया था, जहां पर उसके प्रीलिम्स क्लियर हो चुके थे। मनोज कहता है कि अब तो मैं भी तुम्हें तभी मिलूंगा जब मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे। इसी बीच हम प्रीतम पांडे को भी देख पाते हैं, जहां पर 3-4 साल बर्बाद कर देने के बावजूद भी वो अपने पिताजी से यही कहता रहता था कि मैं जल्द ही IPS बनूंगा। उसके साथ में भी अलग ही पंगा चल ही रहा था। और इस साल भी फेल हो जाने की वजह से जब वो श्रद्धा का हाथ मनोज के हाथों में देखता है तो मनोज को कहता है कि ये लड़कियां कुछ काम नहीं आएगी, ये सिर्फ तरक्की को देखती है। 20 साल बाद जब तू इसे मिलेगा यही किसी आटे की चक्की में या फिर चाय बांटता हुआ, तो क्या औकात रह जाएगी तेरी। पास में बैठी श्रद्धा ये सारी बातें सुन रही थी और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है, लेकिन मनोज उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागता है और कहता है कि श्रद्धा तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम ही मेरी मोटिवेशन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। जहां पर श्रद्धा उससे कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं आई लव यू बोल दूं तो तुम दुनिया पलट दोगे, चलो मैं आज कहती हूं आई लव यू मनोज, जो कर सकते हो करो और IPS बन कर दिखाना खुद को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को। मगर उसी रात प्रीतम पांडे गुस्से में आकर श्रद्धा के फादर को कॉल कर देता है और बता देता है कि दिल्ली में आपकी बेटी मनोज नाम के एक फकीर लड़के के साथ में रात को सोई है और अब तो उसे वापस मसूरी बुलवा लिया जाता है। ये बात जब मनोज को पता लगती है तो वो पांडे को कॉल करता है, मगर पांडे इस वक्त होता है थाने में, जहां सबसे पहले थाने पहुंचकर मनोज वहां के इंस्पेक्टर को कहता है कि आपने किस बनाम पर पांडे को अंदर डाला, कौन सी धारा लगाई गई, कौन से वारंट जारी हुए उसके नाम पर, वो सब मुझे दिखाइए। जहां पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये रोड पर खड़े होकर गाली गलौज कर रहा था तो मैंने इसे अंदर ठूस दिया, ऊपर से 3,000 का जुर्माना भी लगा है। लेकिन इस वक्त मनोज कहता है कि यहां कोई वायलेंस क्रिएट नहीं हो रहा था और ना ही आपके पास कोई सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट था उसके खिलाफ। जस्ट अभी मेंस क्लियर हुए हैं, IPS जिस दिन बन गया ना सबसे पहले तेरा ट्रांसफर करवाऊंगा, और इस बार तो मेरे पास में एक आई विटनेस भी है, क्योंकि वहां पीछे उनसे ज्यादा बड़े अफसर बैठे हुए थे। और अब उस पुलिस वाले को पांडे को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन बाहर आने के बाद मनोज पांडे को बहुत गालियां देता है और कहता है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तेरी वजह से श्रद्धा मसूरी में है, मेरे साथ नहीं है और तूने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई। इस पर पांडे को अफसोस भी होता है, लेकिन गुस्से में आकर की गई बातें अब पीछे नहीं हट सकती थी। मगर अब मनोज का जज्बा और ज्यादा बढ़ चुका था, उसने अपनी तैयारियां डबल कर दी थी। इसी बीच उसकी मुलाकात गौरी सर से होती है तो गौरी सर कहते हैं कि अब तू आटा चक्की में काम नहीं करेगा, जहां मैं रहता हूं वहीं तू रहेगा, तुझे 3 टाइम का खाना मैं दिलवा कर दूंगा और रही बात पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, जब तेरी जॉब लग जाए तो मुझे डबल दे देना। और ऐसा करके अब मनोज ने अपनी स्टडीज को डबल कर दिया था और इस तरीके से एक एक शुरू हुए रीस्टार्ट वाले पेजेस को सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर कर देता है, फिर उसके बाद मेंस क्लियर कर देता है। और अब बारी थी इंटरव्यू की, जहां इस बार श्रद्धा उसके साथ में थी। हमें यहां पर दिल्ली का संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिखाया जाता है, जैसे कि UPSC भी कहते हैं। मेन गेट से हमारे मेन कैरेक्टर एंट्री करते हैं, यहाँ पर उनकी तरह और भी काफी सारे लोग आए थे। चपरासी का बताना था कि अंदर जो जूरी मेंबर्स बैठे हैं यानी कि जितने भी इंटरव्यूअर्स बैठे हैं वो इंग्लिश में बात करेंगे। अगर तुमसे पूछे कि भाई 12th में तुम फेल कैसे हो गए या क्या रीजन हो गए, तो बोल देना कि मेरी दादी वगैरह बीमार थी और हिंदी मीडियम से उनको काफी चिढ़ है, तो कोशिश करना कि हिंदी कम ही बोलो, इंग्लिश का ज्यादा यूज करना। अब जैसे ही घबराया हुआ मनोज अंदर जाता है, उन इंटरव्यूअर्स को देखता है जो कि धड़ाधड़ इंग्लिश में उसके साथ में क्वेश्चन आंसरिंग करने लगते हैं। बेचारा डर जाता है, ठीक से ना जवाब दे पाने की वजह से उसे बहुत ही बुरा लगने लगता है। लेकिन तभी एक मैम उसे कहती है कि तुम बाहर 2 मिनट के लिए वेट करो, हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। इस वक्त मनोज को श्रद्धा ने एक चिट दी थी, जैसे वो उसे खोलता है तो उसमें लिखा था कि मनोज चाहे तुम IPS बनो या ना बनो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए था, है और रहेगा, फिर भले ही चाहे तुम उस आटा चक्की में ही क्यों ना काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन बातों को सुनकर मनोज का कॉन्फिडेंस 100% बढ़ चुका था। वो सबसे पहले अपनी टाई लूज करता है, शूज को खोलता है और नंगे पैर पहुंच जाता है अगेन इंटरव्यू के लिए। फिर वही अगेन क्वेश्चनिंग उसके साथ में होती है, पूछा जाता है कि 10th में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए, लेकिन 12th में 1 साल के गैप के बाद में 3rd डिवीजन से कैसे पास हुए, इसका रीजन बताओ। जहां पर मनोज कहता है कि सर 1 साल पहले हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी, अगर चीटिंग हो जाती तो मैं भी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होकर अच्छे ग्रेस के नंबर्स आपको दिखा पाता। हमारे गांव में ये नॉर्मल है, इसे व्यवस्था कहते हैं। मगर एक दिन एक पुलिस अफसर DSP जिनका नाम है दुष्यंत जी, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मैंने ठीक उन्हीं की
मेरा बनने के बारे में सोचा और फिर जब अगले साल एग्जाम्स हुए तो मैंने बिना चीटिंग किए अपने दम पर उन एग्जाम्स को दिया। परिवार की हालत इतनी ठीक नहीं थी कि अच्छी कोचिंग ले पाऊं, इस वजह से नंबर कम है, लेकिन अगर मैं इस पोस्ट पर आ जाता हूं तो इस देश की सेवा के लिए जो बन पड़ेगा सब करूंगा। मगर अगेन जो इंटरव्यूअर्स थे वो इंग्लिश में क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे थे, जहां पर एक क्वेश्चन उससे और पूछा जाता है जिस पर मनोज घबरा जाता है। तो वो कहता है कि क्या मैं पानी पी सकता हूं? वो कहता है कि जी हां बिल्कुल पीजिए। जिस पर मनोज का कहना था कि मुझे कांच के ग्लास में नहीं, मुझे स्टील के ग्लास में पानी चाहिए। जहां पर वो लोग कहते हैं कि भाई पानी साफ है, पी सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मनोज कहता है कि सर यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पानी साफ है, यानी कि मैं साफ हूं। स्टील या कांच के ग्लास से फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से मेरे इंग्लिश या हिंदी बोलने से फर्क नहीं पड़ता, अंदर की सफाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही बेहतरीन लाइन वो उन्हें कहकर जाता है कि भले ही मैं वो सूरज ना हूं जो इस धरती को रोशन कर सके, भले ही मैं वो सूरज ना बनूं जो इस धरती को रोशन कर सके, मगर मैं वो स्ट्रीट लैंप जरूर बनूंगा जो मेरे नीचे की जमीन को रोशन कर सके। जिसके 45 दिनों के बाद में रिजल्ट्स आउट होता है। मनोज जानता था कि भाई मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा के कहने पर वो मेन गेट तक पहुंच जाता है और यहां उसे पता चलता है कि उसका नंबर लग चुका है और वो 2.5 लाख में से एक वो गरीब बच्चा जिसने अपनी पूरी मेहनत, श्रद्धा, लगन और दिल से पढ़ाई करके उस मुकाम को पा लिया जिसके वो सिर्फ सपने देखा करता था। उसका दोस्त प्रीतम पांडे जिसने हर वक्त पर उसकी मदद करी थी, उसे हर बार टीवी पर आना था, इसलिए वो भी अब एक रिपोर्टर बन चुका था। गांव में जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो रामवीर जी सबसे पहले पहुंचते हैं गांव के सरपंच के पास और कहते हैं कि अब बताऊंगा उसको कि उसने IPS के बाप से पंगा लिया है। जिसके बाद वर्दी शर्दी पहनकर पहुंच जाते हैं मनोज जी अपने गांव के पुलिस स्टेशन, जहां वो मिलते हैं सबसे पहले दुष्यंत सर से। दुष्यंत जी उन्हें देखकर सलाम ठोकते और कहते हैं कि अच्छा लगा आपको देखकर। जहां पर मनोज कहता है कि सर शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, आज से कई साल पहले एक बार मैं आपको मिला था जब मेरे परिवार की हालत खराब थी, पुलिस से आपने मुझे बचाया था और कहा था कि अगर मेरी तरह बनना है तो चीटिंग छोड़ देना। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। इन बातों को सुनकर दुष्यंत जी भी बहुत सेंटी हो जाते हैं, उनका गला भर जाता है और गले मिलते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ यार किसी मजबूत आदमी को मैंने एक मजबूत सलाह दी थी। मूवी के एंडिंग पर ओरिजिनल जो मनोज सर हैं, जो श्रद्धा मैम हैं, उनके फोटोज वगैरह भी आते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये बहुत तगड़ी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि मैंने इस मूवी के साथ जस्टिस किया हो, इसे ठीक से एक्सप्लेन किया हो, माइट बी कुछ वर्डिंग्स या फिर कुछ नाम वगैरह कुछ गलत ले ली हो तो सॉरी, माफी चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि वाई दिस मूवी अट्रैक्ट मी। तो जब मैं छोटा था, 4th या 5th क्लास की बात है, तब मेरे फादर मिस्टर मनोज नागर वो चाहते थे कि मैं भी IPS बनूं। चाहते थे नहीं, मतलब चाहते हैं, हम दोनों साथ बैठकर चेस खेला करते थे। तो मेरी चेस जो कि ये है, इस पर उन्होंने खुद से आज से करीब 20 साल पहले लिख दिया था कि IPS हितेश नागर की शतरंज। मैं रोज उसे देखता था, हम रोज साथ बैठकर खेलते थे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी फैमिली की कि आगे चलकर वो चीजें फुलफिल हो नहीं पाई। इसी के साथ एक और इंसिडेंस हुआ था मेरे फादर के साथ में। वो दिल्ली से अपनी पढ़ाई वगैरह करके अजमेर वापस आना चाहते थे, उनका भी बैग इस तरीके से चोरी हो गया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे थे, लेकिन जो चोर था जिसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स चुराए थे वो भी अपनी स्टडीज कर रहा था, उसने बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर के पते पर वापस भिजवा दिए। हालांकि बैग में जो कपड़े पैसे वगैरह पड़े थे वो उसने रख लिए और ये लिखा कि परिवार की मजबूरी की वजह से मैं चोर बन गया, मगर मैं किसी और को चोर नहीं बनने दूंगा। तो इस मूवी को देखकर मैं उन्हीं बातों को याद कर रहा था जो मेरे और मेरे फैमिली के साथ में गुजरी थी। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन और मेरी लाइफ के साथ घटे हुए मेरे ये कुछ किस्से आपको पसंद आए हों। अगर आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब। इसी तरीके की और बेहतरीन और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।